एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका एक बार और स्वागत है हमारे इस छोटी सी फैमिली पर। तो भाई अभी टाइम हो रहा है यही कोई 7:45, भाई जल्दी अभी इज्जती मत करा, 7:40 हो रहा है ना, 7:40। और अभी आज का प्लान ये है कि आज हम नाइट में ब्लॉग बनाएंगे, तो अभी निकल पड़े हैं। अभी का प्लान ये है, तो यहाँ से देखो सीधे सीधे जाने का प्लान ये है, यहाँ से पहले चलेंगे ईट एंड ड्रिंक, देन उसके बाद फिर चलना किधर से पूछ तो यो, कहाँ से चलना, किस साइड से? चलो भाई ये फाइनली डिसाइड हो गया भाई, हमें बड़ा बाजार साइड से नहीं जाना, हमें जाना है गांधी चौक साइड से। एंड भाई देखो भाई, आप लोगों को खुद ही पता है कि मेरा जो अभी कैमरे का एंगल है ये अभी थोड़ी ख़राब है, क्योंकि आपको पता है मेरा ना फ़ोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो भाई प्लीज़ एडजस्ट करना थोड़ा सा। मोटो ब्लॉगिंग का ये है सीधा सीधा फंडा कि इसको ना कैमरे को इतना तक सेट होना चाहिए कि यहाँ से अगर आप देख रहे हो ना, तो इस व्यू से आपके ये बाइक का हैंडल भी आना चाहिए और सामने का ये नज़ारा भी आना चाहिए, तो ये इतना सीन है। लेकिन अभी देखते हैं, अभी इतना आ रहा होगा उतने में एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर नहीं तो फिर अरे भाई डिपर कर लो भाई, सिटी में चलाते हुए डिपर करके क्यों नहीं चलाते, कुछ समझ नहीं आता भाई, कुछ भी नहीं समझ में आता। सिटी में चलाएँगे लेकिन अपर करके चलाएँगे, क्योंकि कुछ नहीं बोल सकता भाई, छोड़ो क्या भाई, जब भी राइड करते हो या फिर ड्राइव भी करते हो नाइट में ना डिपर करके चलाएगा, और भाई बहुत दिक्कत होती है सामने वाले को, पर ठीक है। ये देखो भाई साहब एकदम फुल फोकस में आ रहे हैं भाई, ये डिपर करने का सीन पता नहीं क्या कैसा है। फाइनली अर्पित भाई और अर्पित की गाड़ी मिल चुकी है, देखो ये है और बंदा भाई, हाउ आर यू, क्या हाल है? ओहो भाई फुल ऑन जोश, ठीक है ये सीन क्या कैसा करना है, चलना किधर से, ये लोग गए कहाँ? अरे भाई किधर गए भाई, किधर गए? चलो भाई फाइनली हमको मिल गए, वरना हमको लगा था ये लोग तो निकल गए भाई, हमें छोड़ के निकल गए, नहीं भाई मिल गए। चलो भाई फाइनली मिल गए, चलो चलो भाई यहाँ से चलेंगे इधर, अभी का सीन ये है भाई, इधर से ना सीधा निकल के जाना है, निकलते हुए जाना है यहाँ से सीधा, और फिर उसके बाद बाईपास। ये भगवान जी का मंदिर भाई, ये बदलाव जी मंदिर है इधर का, हमारे इधर का, और ये जो अभी हम गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे घूम रही है हमारी पीढ़ी है भाई, छोटी है बट बहुत अच्छी है। कई लोग हैं जो ऐसे घूम रहे हैं जैसे हम क्या ही कर रहे हैं, बट ठीक है, लोगों का काम है देखना तो देखने दो, और बना भी किसके लिए रहे हैं, लोगों के लिए ही बना रहा है ना, तो भाई वैसे नहीं देखते तो ऐसे ही देख लो, कुछ तो फ़ायदा होगा हमारा। इधर से अपने को चलना है सीधा ईट एंड ड्रिंक जैसे बताया था उधर चलना है, फिर उधर से उसके बाद चलना है बाईपास, और भाई वहाँ चल के मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाऊंगा। मैंने ना कुछ कलाकारी कर रखी है, कलाकारी तो खैर मैं ज़्यादा कुछ करता ही नहीं हूँ, लेकिन छोटी मोटी कलाकारी लाइक जो आपको बताया था, जो पेंट किया था मडगार्ड, मैं बार बार मडगार्ड बोल रहा हूँ, पहले भी मडगार्ड बोल रहा था, कई बार बोल चुका हूँ मडगार्ड भाई, बेसिकली वो मडगार्ड नहीं है, वो केवल उसका है क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट प्रोटेक्टर है ना। अभी चल के आपको दिखाऊंगा, तो मैं उसको पेंट वगैरह जो किया था वो मैं चल के आपको बताऊंगा, है ना। तो अभी देखेंगे गाड़ी का लुक क्या कैसा आ रहा है, कट लगा है भाई, उधर से साइड से निकल जाते हैं बंदे लोग, ये अपने देश का तो यही सबसे ज़्यादा काफ़ी कट है, ब्रेकर में बाजू से कट हो वहाँ से लोग निकल जाते हैं, जैसे ये है, ये जैसे मेन ब्रेकर है, ये यहाँ से कट हुआ, यहाँ से निकल जाओ भाई, अपन ना हर जगह का उपाय देख लेते हैं भाई। थोड़ा सी मेरी गाड़ी में दिक्कत भी है, हैंडल बॉबल करता है भाई, जैसे हम 80-90 की स्पीड में अगर हल्का सा हैंडल इसको भी ज़रा सा भी छोड़ते हैं ना, ये पूरा शेक करता है भाई, तो वो भी दिखाना है थोड़ा। अभी वो दोस्त भी बिजी चल रहा है जो इसका काम करता है अभी थोड़ा सा, तो जैसे ही वो फ्री होता है तो किसी दिन फ़ोन वोन करेंगे, पूछेंगे भाई करो भाई इसका मेरा इलाज, और ये एक्सीलरेटर वायर भी सही करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भाई इधर की, कि जब कुछ भी चीज़ ख़राब होती ना गाड़ी की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर ना सामान नहीं मिलता, गाड़ी का कुछ भी सामान नहीं मिलता, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भाई। ये है वो जगह यहाँ पर आते चाय वाय पीने के लिए, ईट एंड ड्रिंक इसका नाम है, और ये देखो भीड़ देखो खाली, कितनी सारी भीड़ है, सारे लोग हैं, वो रहे अपने भैया की गाड़ी, वो रहे भैया उधर, चलते हैं ऑर्डर करते हैं कुछ खाते पीते हैं,
और चलो भाई। और भाई क्या हाल है भाई? फाइनली जाने का टाइम आ गया है। मतलब जाने के टाइम से मतलब ऐसा कि यहाँ से जाने का टाइम। प्लान में ये चेंजेस हैं कि अभी बाईपास साइड जाना था लेकिन वहाँ का ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं है। तो अभी ये सोचा है कि अब चलते इधर पहाड़ कोठी उसी साइड ही जाके देखेंगे क्या कहता है। तो अभी चलते हैं पहाड़ कोठी साइड भाई, क्या रहा है। तो भाई अभी चलते हैं उसी साइड और पूरी कोशिश है भाई ये कैमरा ऑन रखने की। अरे भाई क्या कर, ये देखो भाई, ये देखो बिना लाइट चालू किए भाई देख रहे हो ना, इंडिकेटर के भरोसे ही जा रहे हैं ये लोग। ऐसे ही भाई एक्सीडेंट होता है। एनीवेज दिमाग से निकल गई वो बात, मेरे को दिखाना था भाई लेकिन क्योंकि अब पहले से थोड़ा ठीक दिख रही है बाइक, जो कवर वगैरह मैंने लगाया हुआ ना वो पहले से काफ़ी अच्छा जम रही है बाइक। तो अभी भाई मैंने सोचा इसमें ना राजदीप ब्लॉग्स लिखवाने का, तो अभी इसमें एज सुन एज मैं इसमें लिखवाऊँगा राजदीप ब्लॉग्स, क्योंकि पहले भी मैंने लिखवाया था अपना जो पुराना चैनल था ना उसका भी नाम है ना राजस्टार वन लिखवाया हुआ था। देखो ये हमारी सिटी का हाल है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है लेकिन फिर भी इधर जाम लग रहा है। देखो छोटी सी सिटी में भी जाम लगता है भाई। अब तो बाइकरों के हमारे लिए तो ठीक है भाई, हम तो कहीं से भी निकल जाएंगे, बस प्रॉब्लम होगी फोर व्हीलर वालों की कि वो कहाँ से निकलेंगे। किसका वेट कर रहे हो भाई? ठीक है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं भाई अभी। गाड़ी की लाइट से ही पहचान गए एकदम कि भाई की गाड़ी आ रही है, क्योंकि गाड़ी की लाइट है थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी तेज है हाईवे पर। ये ना नाइट में काफ़ी हेल्प करती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसमें मैंने कितना काफ़ी हाई पावर का बल्ब डाल रखा है, हेलोजन ही है, खैर ये LED है फिर वो नहीं है। और इस पर मैंने 130x100 इसका बल्ब डाल रखा है, अभी चलेगा ये। खैर हीट तो होता है, थोड़ा सा डर भी है वायरिंग शॉर्ट होने का, वायरिंग में डर जल सकती है, बट अभी पूछते हैं किधर चलने का, देखेंगे जो होगा। आगे चल के मैं सबसे पहले आपको अपनी बाइक दिखाता हूँ। इधर से पेट्रोल लेने का है, हाँ इधर से ही लेने का है। फाइनली भाई हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप और गाड़ी दिखा दूँगा। आपको बताया था ना बाइक दिखाने के लिए करने, वरना नहीं दिखा पाऊँगा, यहाँ से भी चल देंगे फिर। तो अभी का सीन ये है, उधर लगाते हैं, उधर लगा के आपको बताते हैं। ये देखो पेट्रोल पंप ही है नॉली, अगर गाड़ी चेकआउट करो हमारी गाड़ी 150 cc हमारा CBR हमारा सीता, ये देखो। तो ये रहा भाई एग्जॉस्ट जो मैं बात कर रहा था, इसको मैंने पेंट किया था पहले, तो मैंने इसको सिल्वर ही किया, सिल्वर के बाद इसको ब्लैक कर दिया। सिल्वर और ब्लैक अब ज़्यादा मैच कर रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो अभी यही ऐसी कुछ लुक्स आ रही है, क्योंकि पहले वो ओपन ही दिखा करता था ना तो अच्छा नहीं लगता था, अभी थोड़ा सा बल्की लग रहा है। तो बस निकलते हैं आगे। और भाई ना इसकी ना मेरे को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इनबिल्ट माइक के लिए, क्योंकि भाई ऐसे में बहुत ज़्यादा वो आता है, विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत इरिटेट करता है लोगों को। पूछने वाली ये बात है कि हमारी पन्ना में ही वो जगह है, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ ना उधर ही रिंग रोड है, बट आई हैव नो आइडिया। प्रॉब्लम केवल इतनी सी है क्योंकि इतना देर शूट कर लिया है तो अभी लगता है कि भाई इसकी बैटरी डेड होने वाली है, इसको ना काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, लाइक इसके लिए ना एक बैटरी भी लेनी पड़ेगी, वरना बिना बैटरी के काम नहीं होगा, ये तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। और एक बैटरी रहेगी तो कम से कम एक बैकअप ही रहेगा अपने साथ, तो इसमें लगा के ना फिर यूज़ कर सकते हैं,
तो भाई अभी देखना है, बंद हो गया होगा तो फिर क्या ही कर सकते, लेकिन अभी तो वर्किंग लग रहा है। क्या है भाई, अभी जो मेरा शूट करने का जो अभी मोटो ब्लॉगिंग चलती है ना, वो भी मेरी खाली अंदाजे पे चलती है, क्योंकि अभी ना मेरे पास वो जो कनेक्ट करता था ना एप्लीकेशन, वो भी प्रॉब्लम कर रहा है। पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा क्यों कनेक्ट में प्रॉब्लम कर रहा है, बट ठीक है देखते हैं। अभी नहीं हो रहा तो हम ऐसे ही चला लेते हैं। अच्छा ये है वो जगह जहाँ से जाना है। अरे भैया धूल क्यों उड़ा रहा है इतनी। ये जो जगह है ना जो आपको पहली बार दिखा रहा हूँ, वो बेसिकली मैं पहली बार ही जा रहा हूँ इधर पर, तो ये पहली बार उस जगह पे जा रहा हूँ मैं, और उधर से ही आपको बताऊँ क्या कैसा नज़ारा है। लाइट तो खैर इतनी दमदार है नहीं है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यहीं से दिख रहा है, नज़र आ रहा है कुछ कुछ। ठीक है हेलमेट बंद करना पड़ेगा गाइस। ये क्या हुआ बच्चे, बड़ा एक्साइटेड भाई, बाइक देख के बच्चे ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं वाओ, जैसे हम हुआ करते थे। वाह ये हरकत देखो, जानबूझ के भाई ने गंदा करने की कोशिश, और हम बट अभी भाई ये देखो भाई चढ़ा तो दी है, लेकिन आगे नहीं पता उतरती कि नहीं उतरती। ओ भाई निकल जा, निकल गई, खत्म, मेरे को लगता वापस जाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई मिल गए, ये उतर गए भाई, हम नीचे उतर गए, और इसके ऊपर भी चढ़ानी थी ना यहाँ से। अरे यार मिस कर दिया मैंने, ऊपर ही चला लेता ज़्यादा बेटर था, यहाँ से तो भैया धूल ही धूल चढ़ा है मेरे को। क्या सीन, वापस पहाड़ कोटी चलो भाई, बहुत ज़्यादा पूरे ब्लॉग में मैंने यही बोला है कि भैया ने मेरे को धूल से पूरा गंदा कर दिया। ठीक है भाई, अरे धूल मत तोड़ाओ भाई। भाई इधर से कॉर्नरिंग हो गई, ये लो भाई घूम घाम के फिर से वही BMW। भाई लेंगे लेंगे, एक दिन जरूर लेंगे भाई, थोड़ा भी वेट करो। तो भाई इधर आए हैं अपनी सिटी का नज़ारा लेने के लिए, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह ले लेते ना, रुक जाओ रुक जाओ एक फ़ोटो लेंगे। ओ भाई साहब फोटो देख रहे हो क्या ही आ रही है, ये देखो ये देखो। भाई ये वो लाइट जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले इंस्टॉल की थी ना अपनी बाइक में, ये देखो कैसी लग रही है अभी, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ये देखो यहाँ से देखोगे ना, ये इसी की है खाली अभी पार्किंग की, ये देखो ये लगी है ना ब्राइट, इसे भाई मैं रिकमेंड करूँगा। खैर तो भाई यहाँ से निकल गए, अब यहाँ का सीन ये है कि अब इधर से चलेंगे ऊपर, इसके और ऊपर ही एक जगह है ना, वहाँ पे चलते हैं। तो इधर से रास्ता वस्ता है क्या जाने की, हाँ इधर से ये नहीं रास्ता, भैया लोग आ जाएँ वरना फिर उनको सीधे आना पड़ेगा। फिर ये देखो वहाँ से जाके ज्वाइन बंद कर लेते, थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ से ऊपर जाने का है देखो भाई। अरे 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 रास्ता तो बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, है ठीक है देखो भाई, यहाँ पे लाइट जलती थी पहले, तो अभी देखते हैं भाई जलती तो थी यार, अब क्यों नहीं जल रही है यार। अरे लाइट वाइट बंद कर दिए क्या, अरे यार भाई ये है लाइट, यहाँ पे सारी लाइटें जलती थी अब सब बंद है यार। देखो ये देखो सारी लाइटें बंद है, अब कैसे किया जाए, अब सोचते हैं यहाँ से चलते हैं वापस है ना। लाइट की गाड़ी की लाइट देखो भाई कितनी ब्राइट है ना, यही है कमाल भाई जो मैंने बल्ब लगाया ना, लाइट नहीं जल रही, नहीं जल रही बंद हो गई आज। चलो भाई तो अभी अब क्या करना है, भाई एक प्रॉब्लम और है बाइक में देखो ना एक छोटी सी, अभी आपको सुनाते हैं, लोग निकल जाए ना वरना ऐसा साउंड नहीं आएगा फिर। प्लीज आपको आवाज़ आ रही होगी, आ रही है, आई होप कि आवाज़ आ रही हो भाई, ये चू 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 की जो आवाज़ आती है ना ये बहुत अनोइंग है भाई, और केवल स्लो में आ रही है। तो भाई लोग इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, अभी तक अगर आपने वीडियो को देखा हो तो वीडियो को लाइक करे हो, चैनल को सब्सक्राइब करे हो भाई, सपोर्ट ऐसे ही करते रहे भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।